بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ساتھیو, عدنان ऑनलाइन क्लास डॉट नेट के चैनल के साथ अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है. डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स के सिलसिले में इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स के बारे में. व्हाट इज द सिग्नल, यानी कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं. तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसमें. तो देखते हैं जी, तो डेटा याद रखें जी, जब भी सेंडर से निकलता है और रिसीवर की तरफ जाता है तो वो दो किस्मों का हो सकता है, या तो एनालॉग हो सकता है या वो डिजिटल हो सकता है. ठीक है जी. एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कंटिन्यूस इन नेचर हो, मतलब ऐसा सिग्नल, ऐसा पैगाम जो जिसका जो शेप है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हो और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हो, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस. ठीक है जी, इसकी फिगर में आगे अगले उसमें स्लाइड में आ रही है. तो कंटिन्यूस नेचर, ऐसा सिग्नल जिस तरह की हमारी आवाजें हैं, ठीक है, जो हमारी आवाज है वो आस्ता आस्ता बढ़ती है और आस्ता आस्ता कम होती है. तो हर वो सिग्नल जो आस्ता आस्ता बढ़ता हो और आस्ता आस्ता कम होता है वो एनालॉग सिग्नल कहलाता है. जबकि डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो डिस्क्रीट स्टेट्स होते हैं. डिस्क्रीट का मतलब जिसमें एकदम अचानक चेंज आ जाए, अचानक वो बढ़ जाए और अचानक वो कम हो जाए, तो इट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल. ठीक है जी. तो याद रखें जी, वो जो डेटा जो है हमारा वो तो या एनालॉग हो सकता है या वो डिजिटल हो सकता है. ठीक है. तो एनालॉग डेटा टेक ए कंटिन्यूस वैल्यू, जबकि डिजिटल डेटा टेक्स डिस्क्रीट वैल्यू. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एनालॉग और डिजिटल डेटा के बारे में, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, और उसमें पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. ठीक है जी. तो देखें जी, एनालॉग और डिजिटल डेटा, डेटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल. जैसे कि मैंने अभी बताया, डेटा या तो एनालॉग की शक्ल में हो सकता है या डिजिटल की शक्ल में हो सकता है. अगर वो डेटा एनालॉग होगा तो वो कंटिन्यूस इन नेचर होगा, कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी, उसमें आस्ता आस्ता बढ़ोतरी होगी और आस्ता आस्ता कमी होगी. ठीक है. जबकि अगर वो डिजिटल डेटा होगा तो वो डिस्क्रीट स्टेट होंगे, यानी कि एकदम चेंजेस आएगी उसमें, एकदम बढ़ेगा और एकदम कम हो जाएगा. तो सिग्नल कैन बी, या डेटा और सिग्नल दोनों, सिग्नल या तो एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है. इसी तरह एनालॉग अगर सिग्नल है, कैन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज. अगर सिग्नल जो है वो एनालॉग हो तो उसका जो रेंज है वो इनफिनिट हो सकती है, मतलब लामुतना ही हो सकती है, मतलब कहीं तक भी जा सकती है. इसी तरह अगर डिजिटल सिग्नल है, कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज. तो डिजिटल सिग्नल की जो वैल्यूज होंगी वो लिमिटेड होंगी, मतलब खास हद तक होंगी, ज्यादा देर दूर तक. यही वजह है कि एनालॉग सिग्नल बहुत दूर तक जा सकता है और डिजिटल सिग्नल की ट्रेवलिंग जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं हो सकती. ये देखें जी, ये आपके सामने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की फिगर्स बताई गई हैं. देखें, ये जो आपके लेफ्ट साइड को दिखाई दे रहा है ये एनालॉग सिग्नल है. देखें, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, कंटिन्यूस इन नेचर, आराम आराम से बढ़ है और आराम आराम से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है. तो ये एनालॉग सिग्नल है. जबकि दाएं तरफ जो है सीधे हाथ को आप जो देख रहे हैं, ये डिजिटल सिग्नल है. डिजिटल सिग्नल देखें, एकदम उसकी वैल्यू वन है, एकदम नीचे आ गई, वो जीरो हो गई, फिर एकदम ऊपर चली गई वन, फिर एकदम नीचे आ गई. तो डिजिटल सिग्नल एब्रप्ट चेंजेस आती है डिजिटल सिग्नल में, जबकि एनालॉग सिग्नल में एब्रप्ट चेंजेस नहीं आती, वो आराम आराम से डिजिटल सिग्नल जो है अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करता रहता है. ये दोनों आपके सामने शक्लें मौजूद हैं जी. एनालॉग सिग्नल में पीरियोडिक चीज क्या होती है, व्हाट इज अ पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल. पीरियोडिक इन डेटा कम्युनिकेशन वी कॉमनली यूज पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल. तो याद रखें, एनालॉग सिग्नल जो है वो पीरियोडिक होते हैं, जबकि नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल कहलाए जाते हैं. ठीक है. तो पीरियोडिक सिग्नल आप देख रहे हैं, पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल कैन क्लासिफाइड और एज सिंपल और कंपोजिट. तो सिंपल पीरियोडिक सिग्नल जो है वो साइन वेव कहलाता है, जो साइन वेव जैसे आपने पीछे देखा, आराम आराम से उसमें चेंजेस आ रही है, आराम आराम से वो नीचे आ रहा है. ठीक है जी. जबकि कॉम्पोजिट पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं वो मल्टीपल साइन वेव्स होते हैं, उसमें बहुत से साइन वेव्स आ जाते हैं, एक साइन वेव नहीं होती, इसमें मुख्तलिफ साइन वेव्स होते हैं, मुख्तलिफ एनालॉग सिग्नल्स होते हैं. तो इसमें हम साइन वेव, वेवलेंथ, टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन, कॉम्पोजिट सिग्नल और बैंडविड्थ को डिस्कस करते हैं. देखें जी, पीरियोडिक सिग्नल जैसे अभी मैंने बताया जी, कंप्लीट पैटर्न, कंप्लीट साइकिल जो है किसी सिग्नल का वो आपका पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा. कंप्लीट पैटर्न या साइकिल इन अ
measurable time and repeats itself its subsequent identical period. जबकि peak amplitude वो चीज़ कहलाती है कि signal का जो peak value होती है, जो सबसे ज़्यादा value होती है, वो peak amplitude कहलाती है. ठीक है जी. तो absolute value of its highest intensity, अगर आपका analog signal है, ठीक है, तो अगर उसकी जो सबसे ऊंची value है, सबसे ज़्यादा तेज़ value है, जहाँ high signal चला गया, तो वो peak amplitude कहलाएगा. ठीक है. प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कैरीज. फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं जी नंबर ऑफ पीरियड इन वन सेकेंड. एक सेकेंड में जो आपके साइकिल्स होते हैं, जो आपके सिग्नल चेंज हो रहा होता है, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इन वन सेकेंड नंबर ऑफ पीरियड. ठीक है जी. एक सेकेंड में आपका सिग्नल कितनी बार चेंज हुआ, उससे हम फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे. ये देखें, ये आपके सामने सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, और ये साइन वेव भी से कहते हैं. ठीक है. देखिए, ये आराम आराम से बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर चला गया, फिर नीचे आया. तो ये साइन वेव है. ठीक है जी. ये साइन वेव एक से ज्यादा है, मतलब एक साइन वेव यहाँ खत्म हो गई, फिर दूसरी साइन वेव है, फिर तीसरी साइन वेव. इस तरह ये साइन वेव कंटिन्यूस अपना सफर जारी रखती है. तो सिग्नल भी, एनालॉग सिग्नल भी यही चीज होती है. ये देखिए, आपके सामने पीक वैल्यू नजर आ रही है. सिग्नल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये पीक एम्पलीट्यूड कहलाता है. ठीक है जी. ये नीचे भी देखें, अगर सिग्नल, अगर ये छोटा सिग्नल है जिसकी वेवलेंथ कम है, तो देखें ये जो टॉप का जो हिस्सा है, ये पीक एम्पलीट्यूड कहला रहा है. तो पीक एम्पलीट्यूड वही सिग्नल का हिस्सा होता है जो सबसे हाइएस्ट वैल्यू होती है, वो पीक एम्पलीट्यूड कहलाती है. फ्रीक्वेंसी कितना मालूम करते हैं जी? किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है. फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/T. ठीक है जी. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T. टी का मतलब टाइम पीरियड है. कितने टाइम में आपका जो साइकिल है, आपका जो सिग्नल है, वो चक्कर मुकम्मल करता है. तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने का जो फार्मूला है वो आपके दाएं तरफ नजर आ रहा है, और टाइम मालूम करने का जो फार्मूला है वो आपके सीधे हाथ को दाएं तरफ नजर आ रहा है. तो फ्रीक्वेंसी और पीरियड यानी कि टाइम और इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के उलट है. ठीक है जी. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा. ठीक है. इसी तरह अगर टाइम ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. एक दूसरे के इनवर्स है ये. इस फार्मूले की मदद से हमें पता लग रहा है. ये देखें, हम सिग्नल आपके सामने देखें, ये साइन वेव है आपके सामने. साइन वेव नजर आ रहा है आपके सामने. ठीक है. ये वन साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल. ये देखिए, जितने साइकिल आपके जा रहे हैं ये पीरियड्स हैं. ठीक है जी. तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है. तो तकरीबन आपके 12 हर्ट्ज हैं, मतलब इसमें 12 चक्कर होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो मतलब एक सेकेंड में अगर फ्रीक्वेंसी अपना सिग्नल मुकम्मल करता है तो 12 हर्ट्ज कहलाएगा. ठीक है जी. 12 हर्ट्ज. अगर ये देखें, नीचे वाला सिग्नल है, आई थिंक अ सिग्नल विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज. नीचे वाला जो सिग्नल है वो 6 हर्ट्ज कहलाता है. हर्ट्ज का मतलब चक्कर. ठीक है जी. हर्ट्ज का मतलब जहां भी आपके सामने नजर आएगा वो चक्कर के मानों में आता है. मतलब एक साइकिल अपना कितना चक्कर मुकम्मल कर रहा है वो हर्ट्ज कहलाएगा. ये 12 हर्ट्ज है, ये 12 चक्कर है, और नीचे वाले सिग्नल में 6 हर्ट्ज है, यानी कि 6 चक्कर मुकम्मल किए एक सेकेंड में. तो मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला सिग्नल जो है वो 12 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है, जबकि नीचे वाला जो सिग्नल है वो 6 हर्ट्ज है, वो 6 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है. ठीक हो गया जी. अच्छा, ये देखिए, एक आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है. ठीक है जी. अगर ये 1 हर्ट्ज है तो 1 हर्ट्ज का साइकिल होगी. इसी तरह किलो हर्ट्ज में है अगर आपका सिग्नल, तो 1×10⁻³ पर सेकेंड उसकी इक्वलेंट इसका. ठीक है. वो किलो हर्ट्ज में अगर होगा सिग्नल तो वो मिली सेकेंड में कहलाएगा, मतलब उसका जो फॉर्मूला होगा. अगर मेगा हर्ट्ज है तो 10⁻⁶ पर सेकेंड है. इसी तरह गेगा हर्ट 10⁻⁹. इसी तरह टेरा हर्ट 10⁻¹². सेकेंड. ठीक हो गया. तो ये आपके सामने एक चार्ट दिखाया गया है जिसकी मदद से आप सिग्नल्स को नापते हैं. ठीक है. हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, गीगा हर्ट्ज है, टेरा हर्ट्ज है. ठीक है. जो टेरा हर्ट्ज है वो पीको सेकेंड की सूरत में नापा जाता है, जबकि गीगा हर्ट्ज जो है वो नैनो सेकेंड, मेगा हर्ट्ज जो है वो माइक्रो सेकेंड, जबकि किलो हर्ट्ज जो है वो मिली सेकेंड के उसमें नापा जाता है, यूनिट में. ठीक हो गया जी. तो ये आपके सामने हमने आज कोशिश की है डिस्कशन करने की एनालॉग सिग्नल को और डिजिटल सिग्नल को. उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं.
कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।